Hello students, I am Jyoti here and in this video we will discuss about some MCQs related to Election Commission of India. Okay, so let's start. And the first question is, in which year was Election Commission of India formed? Yani kis year mein Election Commission of India bana? So answer is 950. Next question. Next is, which of following is a constitutional body? इट मीन्स इनमें से जो ऑप्शंस हैं इनमें से कौन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है और संवैधानिक निकाय है जिसके बारे में संविधान में कुछ ना कुछ उपबंध किए गए हैं. सो ऑप्शंस आर इलेक्शन कमीशन, फाइनेंस कमीशन, नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड कास्ट, ऑल ऑफ अबव. सो आंसर इज ऑल ऑफ अबव बिकॉज इलेक्शन कमीशन, फाइनेंस कमीशन, नेशनल कमीशन ऑफ शेड्यूल्ड कास्ट ऑल आर दी कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज. ओके ओके नेक्स्ट इज हाउ मेनी इलेक्शन कमिश्नर्स आर इन द इलेक्शन कमीशन. इट मीन्स कितने इलेक्शन कमिश्नर्स हैं जो इलेक्शन कमीशन में होते हैं. सो आंसर इज 3. नेक्स्ट क्वेश्चन. नेक्स्ट इज हु अपॉइंट्स द सीईसी. कौन अपॉइंट करता है सीईसी को. सो आंसर इज प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया. सी ई सी इट मीन्स चीफ इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया. ओके नेक्स्ट. नेक्स्ट इज द स्टेट स्टेट इलेक्शन कमिश्नर कैन बी रिमूव ऑन द बेसिस ऑफ हुज रिकमेंडेशंस. यहाँ पर बात हो रही है स्टेट इलेक्शन कमिश्नर की और कहा जा रहा है कि ये किसके रिकमेंडेशंस पर रिमूव किया जाता है. सो आंसर इज सी ई सी इट मीन्स चीफ इलेक्शन कमिश्नर की रिकमेंडेशंस पर स्टेट इलेक्शन कमिश्नर को रिमूव किया जाता है. नेक्स्ट क्वेश्चन. नेक्स्ट इज हुज इलेक्शन इज नॉट हेल्ड अंडर सुपरविजन ऑफ चीफ इलेक्शन कमिश्नर. यानी जो ऑप्शन हैं इनमें से किसका इलेक्शन चीफ इलेक्शन कमिश्नर के अंडर में नहीं होता है. सो ऑप्शन आर लेजिस्लेटिव असेंबली, वाइस प्रेसिडेंट, प्रेसिडेंट और ग्राम पंचायत. सो आंसर विल बी ग्राम पंचायत बिकॉज ग्राम पंचायत एंड म्यूनिसिपलिटीज़ इन दोनों के इलेक्शंस जो हैं वो स्टेट इलेक्शन कमीशन जो कमिश्नर है उसके अंडर में होते हैं जबकि लेजिस्लेटिव असेंबली, वाइस प्रेसिडेंट, प्रेसिडेंट एंड पार्लियामेंट इन चारों के इलेक्शंस जो हैं वो चीफ इलेक्शन कमिश्नर के अंडर में होते हैं. ओके नेक्स्ट क्वेश्चन. नेक्स्ट इज विच क्वालिफिकेशन is given in the constitution to be elected a commissioner of EC. It means election commission. तो as we know कि जो election commission of India है उसके लिए कोई भी qualifications constitution में नहीं दी गई है कि क्या qualification होनी चाहिए to be elected a commissioner of election commission. तो यहाँ पर answer क्या हो जाएगा, none of above. Okay. Next question. Next is what kind of procedure should be followed to remove the chief election commissioner. तो यहाँ पर पूछा जा रहा है कि किस टाइप का प्रोसीजर है हम अपनाते हैं चीफ इलेक्शन कमिश्नर को रिमूव करने के लिए. सो आंसर विल बी बी जिस तरह से हम चीफ जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट को हटाते हैं मिसबिहेवियर और इनकैपेसिटी के आधार पर और इसी तरह हम चीफ इलेक्शन कमिश्नर को भी रिमूव करते हैं. ओके नेक्स्ट इज विच ऑफ दीज इज नॉट अ वर्क ऑफ इलेक्शन कमीशन. इनमें से कौन सा ऐसा वर्क है जो इलेक्शन कमीशन का नहीं है. सो फर्स्ट ऑप्शन इज टू कंडक्ट द इलेक्शन ऑफ LS इट मीन्स लोकसभा, लेजिस्लेटिव असेंबली, प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट. तो इन चारों के जो इलेक्शंस हैं वो इलेक्शन कमीशन के अंडर में ही होते हैं. बिकॉज लोकसभा इज़ अ पार्ट ऑफ पार्लियामेंट और पार्लियामेंट, लेजिस्लेटिव असेंबली, प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट इन चारों के इलेक्शन इलेक्शन कमीशन के अंडर में होते हैं. सेकेंड ऑप्शन. तो ये तो आंसर नहीं है क्योंकि ए हमसे पूछे कि कौन सा वर्क नहीं इलेक्शन कमीशन का. बी बी क्या है, अप्रूवल ऑफ सेटिंग अप ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज. तो ये भी एक इलेक्शन कमीशन का वर्क है. थर्ड, डिसाइडिंग द क्वालिफिकेशन ऑफ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बाई यूजिंग हिज डिस्क्रिशन पावर. सो दिस इज नॉट अ वर्क ऑफ इलेक्शन
कमीशन, बिकॉज वो नहीं डिसाइड करेगा कि पार्लियामेंट के मेंबर की क्या क्वालिफिकेशन होनी चाहिए और क्या नहीं होनी चाहिए. सो दिस विल बी द आंसर कि जो ये है डिसाइडिंग द क्वालिफिकेशन ऑफ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, ये इलेक्शन कमीशन का वर्क नहीं है. सो आंसर विल बी सी. एंड थोड़ा सा यहाँ पर आपको रिकैप करा देती हूँ कि जो इलेक्शन कमीशन है इसके बारे में आर्टिकल 324 में आपको बताया गया है कि ये पार्लियामेंट, लेजिस्लेटिव असेंबली, प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट जो है इनके इलेक्शंस करवाएगा. ओके, सो दिस इज़ द एंड ऑफ दिस वीडियो एंड प्लीज़ सब्सक्राइब फॉर मोर वीडियोज़.